चीज़ों को एकदम सिंपल रखना है। फॉर एग्जांपल ये रेंज बना है और ये रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है और हम लोग ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर ये ऊपर जाता है तो सी ई का प्राइस नीचे गिरेगा कि पी ई का प्राइस नीचे गिरेगा ऑप्शन में। तो ये जब ऊपर जाता है तो पी ई का प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब हमको सेल करना है तो किसको सेल करना है, पी ई को सेल करना है। फिर उसके बाद हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो एक ऑप्शन सेलर आउट द मनी सेल करता है कि इन द मनी सेल करता है, तो आउट द मनी सेल करता है। सब आपने बहुत अच्छे से मतलब जवाब भी दिया चैट में, आउट द मनी में सब कोई सेल करेंगे, ठीक है। तो आउट द मनी भी हम लोग डिसाइड कर लें कि आउट द मनी हम लोग को सेल करना है। अब इसके बाद आउट द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन जब ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस भी है, हम लोग को किधर देखना, पुट के साइड। तो जितना वाइट साइड ये सारा क्या है, आउट द मनी है, मतलब 17,400 ये आपका क्या है, आउट द मनी है। तो 17,400 स्ट्राइक प्राइस पीई, मतलब ये यहाँ पे है डाउन साइड में, तो 17,400 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये आपका आउट द मनी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कल नॉर्मल निफ्टी 17,400 किसको सेल करना है, पीई को, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे, अपना काम हो गया। मतलब किसको सेल करना समझ में आ गया।